डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट। इवेंट का मीनिंग क्या होता है? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में सैंपल स्पेस के बारे में, तो इवेंट की डेफिनेशन हो जाएगी एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। अब यहां पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब जो डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स हैं, ये हमारे पास जो मेन स्टडी है इस टॉपिक की है, दैट इज फर्स्ट वन इज इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, एंड सेकेंड वन इज श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, ठीक है जी। लेट अस सपोज मैं कहता हूं कि आई थ्रो अ डाइस और उसका सैंपल स्पेस हम लोग बना लेते हैं, अ डाइस थ्रो करते हैं, उसके सैंपल स्पेस में हमारे पास एलिमेंट आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। आई डिफाइन एन इवेंट कैपिटल ई एज मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7, और कैपिटल एफ मैं डिफाइन करता हूं नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 6, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 6। अब अगर बात की जाए कैपिटल ई जो इवेंट है मल्टीपल ऑफ 7, इस सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंगली हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7 इसमें कोई भी नहीं आ रहा, तो इट मींस हमारे पास कैपिटल ई क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। और एफ मेरे पास मैंने कहा है डिफाइन किया है नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 6, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएंगे, और यहां पे सैंपल स्पेस के भी वही एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो इसका मतलब हमारे पास इवेंट ई क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, और इवेंट एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट। इन जनरल हम लोग इवेंट ई के एलिमेंट्स को 5 से डिनोट करते हैं और इवेंट एफ के एलिमेंट्स को कैपिटल एस के साथ ही डिनोट कर लेते हैं, ठीक है जी। 5 जैसे हम लोगों ने सेट के केस में कंसीडर किया था, 5 किसको बोलते थे, वो सेट जिसके एलिमेंट जिसमें कोई भी ना हो, तो इट मींस क्या है कि वो नल सेट होता था। तो सिमिलरली हम लोग ये कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट इज अ काइंड ऑफ नल सेट और इवेंट एफ इज श्योर इवेंट विच इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास एक अगला है, थर्ड वन इज सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट, एंड फोर्थ डेफिनेशन जो हमारे पास है कंपाउंड इवेंट की आ जाती है। 1-1 मार्क्स में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। अब एक और चीज मैं आपको कहता हूं कि आई टॉस अ कॉइन ट्वाइस, तो व्हाट विल बी इट्स सैंपल स्पेस, इट्स सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, ठीक है जी। अब अगर सिंपल से इवेंट की हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी है, तो सिंपल इवेंट, अब की बार जो इवेंट की है मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं, सिंपल इवेंट हेड ऑन बोथ पॉइंट्स, दो पॉइंट लॉस करते हैं, या कॉमा हम लोग ये कंसिडर करते हैं टेल ऑन बोथ पॉइंट्स, दोनों पॉइंट के ऊपर टेल या दोनों पॉइंट के ऊपर हेड आ जाए। तो अब इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास इवेंट ई है इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अगर मैं हेड ऑन बोथ पॉइंट कंसिडर करता हूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाएगा एच एच, सिमिलरली अगर मैं टेल ऑन बोथ पॉइंट कंसिडर करता हूं तो मेरे पास अगेन सिर्फ एक एलिमेंट आ जाता है टी टी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एनी इवेंट जिसके अकॉर्डिंगली सैंपल स्पेस में से अकॉर्डिंगली हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है तो उसको हम लोग सिंपल इवेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल इवेंट आता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास टर्न आ जाती है कंपाउंड इवेंट्स की। अब कंपाउंड इवेंट में हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इवेंट वो होता है जिसमें हमारे पास मोर देन वन एलिमेंट आते हैं सैंपल स्पेस में, मोर देन वन एलिमेंट। लेट अस कंसीडर मैं एफ डिफाइन करता हूं एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, एक हेड के अकॉर्डिंगली अगर सैंपल स्पेस बनाना चाहे। अब यहां पे देखिए एट लीस्ट वन हेड का मतलब होता है एक हेड और दो हेड, तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास एलिमेंट क्या आ जाते हैं एच टी, टी एच और एच एच। तो इट मींस क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाते हैं देन दो इवेंट्स आर कॉल्ड कंपाउंड इवेंट, और अगर किसी इवेंट के अकॉर्डिंगली सैंपल स्पेस में से सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट आता है देन दैट इज नोन एज सिंपल इवेंट, ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट या अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अलजेब्रा होते हैं, फर्स्ट वन इज ए और बी, सेकेंड वन इज ए एंड बी, थर्ड वन इज ए कॉम्प्लीमेंट, एंड फोर्थ वन इज
ए बट नॉट बी, ये चार तरह के हमारे पास इवेंट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब ये चार तरह के इवेंट जब इंक्लूडेड होते हैं, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट में ए और बी। अब ए और बी के बारे में बात करते हैं, तो लेट अस सपोज पहले मैं एक सैंपल स्पेस ले लेता हूँ। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू थ्रोइंग अ डाइस वंस, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारे पास सैंपल स्पेस के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, मैं इवेंट ए डिफाइन करता हूं और इवेंट बी भी डिफाइन करता हूं। लेट अस कंसीडर कि मैं इवेंट सी सी का डिफाइन करते हैं, पहले ए डिफाइन करते हैं। ठीक है, इवेंट ए मेरे पास हो जाएगा ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, ऑल ऑड नेचुरल नंबर, तो मेरे पास 1, 2, 3 आ जाता है। इवेंट बी मेरे पास हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर, तो 2, 4, 6 आ जाएगा। इसी तरह से लेट अस सपोज मैं सी डिफाइन करता हूं, नंबर ग्रेटर देन 1 कम्स अप, नंबर ग्रेटर देन 1 कम्स अप, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब बात करते हैं सबसे पहले ए और बी की। ए और बी की, जैसे सेट थ्योरी में हम लोगों ने ए और बी कहा था, ए और बी का मतलब होता है और वर्ड हम लोग सेट थ्योरी में यूनियन के लिए यूज करते हैं और एंड वर्ड सेट थ्योरी में हम लोग इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी बात करेंगे, इवेंट ए और इवेंट बी मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों का यूनियन हो जाएगा। सो इवेंट ए और बी विल बी डिफाइंड बाय ए यूनियन बी, सिमिलरली ए एंड बी विल बी डिफाइंड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ए कम्प्लीमेंट हमारे पास जैसे सेट थ्योरी में हम लोगों ने कम्प्लीमेंट पढ़ा है कि जब भी आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से आप एक सेट डिफाइन करते हो, तो कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स। तो अगर मैं ये ए बी और सी कंसिडर करता हूँ आपके पास इवेंट और एस जो है ये यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लेता हूँ, देन अकॉर्डिंगली ए यूनियन बी, अब चेक कीजिए ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन वी विल राइट इट लाइक 5। अब ए कम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, ए कम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंगली ए के एलिमेंट छोड़ देने, बाकी सारे एलिमेंट ले लेने। अब ए के एलिमेंट ऑड नेचुरल नंबर से तो ये छोड़ देने, हमारे पास क्या बच जाता है 2, 4, 6, सो आई कैन से दैट ए कम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू 2, 4 एंड 6। अब ए बट नॉट बी, सेट थ्योरी में हम लोग ए बट नॉट बी को ए माइनस बी के साथ डिनोट करते थे, या हम लोग इसको ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के साथ डिनोट करते थे। And its definition was like that, कि A minus B का meaning होता है A के वो element जो B में present नहीं है। A but not B का मतलब यही है, A के elements हो लेकिन B में present ना हो। अगर हम लोग इसके accordingly देखें A but not B, A but not B तो मेरे पास सारे का सारा वही आ जाएगा 1, 3, 5। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे A minus C चाहिए यहाँ पर, तो इसके accordingly देखिए इन दोनों set में A के वो एलिमेंट जो C में प्रेजेंट नहीं है, कौन सा एलिमेंट C में प्रेजेंट नहीं है, 1 प्रेजेंट नहीं ना, तो यहाँ पे A माइनस B मेरे, A माइनस C मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, सो दीज आर द डिफरेंट अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स फॉर दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद दो और आते हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, फर्स्ट वन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड सेकेंड वन इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिंग इवेंट्स। फर्स्ट वन इज म्यूचुअली exclusive and second one is mutually exhausting, E-X-H-A-U-S-T-I-V-E. Now what is the difference between this exclusive and exhaustive event? Mutually exclusive events are just, you can say that in set theory jaise disjoint set hota tha, isi tarah se yahan pe hamare paas mutually exclusive events hote hain। डिसजॉइंट सेट क्या होता था, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी के केस में भी हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड यूज करेंगे उन इवेंट्स के लिए जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि ए और बी, क्या हमारे पास ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हो जाएगा, दैट इवेंट इन विच ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। और उसके बाद म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जिनका यूनियन हमारे पास पूरे का पूरा सैंपल स्पेस आ जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिनका यूनियन पूरे का पूरा सैंपल स्पेस आ जाता है। तो कैन आई से दैट कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, चेक कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। सिमिलरली कैन आई से दैट कि ए और सी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं,
ए और सी भी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, क्योंकि अगर इनका और इसका यूनियन कंसिडर करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, दो इवेंट्स जिनका यूनियन पूरे का पूरा सैंपल स्पेस होता है उनको हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। अब बेटा एक बात याद रखिए, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो सेट का यूनियन सैंपल स्पेस हो जाए, मोर देन टू सेट का यूनियन भी सैंपल स्पेस हो सकता है। तो हम लोग मोर देन टू सेट्स को भी या मोर देन टू इवेंट्स को भी हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स कह सकते हैं। लेट अस सपोज, अब की बार मैं नए तरीके से डिफाइन करता हूँ, डिफरेंट इवेंट्स डिफाइन करता हूँ। कैपिटल ए एक इवेंट मैं ले लेता हूँ, नेचुरल नंबर अप टू थ्री, ये वन टू थ्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी इवेंट मैं ले लेता हूँ इवन नंबर्स, इवन नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा, टू फोर सिक्स हो जाएगा। उसके बाद सी इवेंट मैं ले लेता हूँ ऑड नेचुरल नंबर्स, वन थ्री फाइव, ठीक है। इवेंट ए कंसिडर किया नेचुरल नंबर्स अप टू थ्री, इवेंट बी कंसिडर किया मैंने इवन नेचुरल नंबर, और इवेंट सी मैंने कंसिडर किया ऑड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे चेक कीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी चेक कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, क्या ये सैंपल स्पेस के बराबर आ गया है। तो इट मींस ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये चीज याद रखिएगा कि अगर यूनियन ऑफ टू और मोर देन टू इवेंट्स इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस देन ऑल दोज इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बट इफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इज इक्वल्स टू फाइव देन वी कैन से दैट दोज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है जी। नाउ एक्सरसाइज 16.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, A die is rolled, capital E is the event, die shows 4. Capital E ka event likh lete hain, hamare paas 4 aa raha hai. Die shows even number, F event hai hamare paas 2, 4 and 6. ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आर द इवेंट्स ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बेटा यहाँ पे चेक कीजिए, क्लियरली ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना। यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे, सिंस ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल्स टू 5, सिंस ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल्स टू 5, हेंस ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अंडरस्टैंड। इस तरह से आपके पास जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप लोगों ने इवेंट्स लिखने हैं, और इवेंट्स लिखने के बाद आप लोगों ने उनका नेसेसरी आंसर लिखना है जो हम लोगों को पूछा हुआ है। एक डाई थ्रो किया गया है सेकंड क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, कैपिटल ए अ नंबर लेस देन 7, तो ए के एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6, क्योंकि नंबर लेस देन 7 सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। आफ्टर दैट बी अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो B का एलिमेंट क्या हो जाएगा 5, और एक बार याद रखिए, मतलब इसको ब्रैकेट में नहीं रखना, याद कीजिएगा सेट का चैप्टर। उसके बाद C अ मल्टीपल ऑफ 3, C इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 3, 6, एंड D इज अ नंबर लेस देन 4, इट विल बी 1, 2, 3, F कैपिटल E इज एन इवेंट नंबर ग्रेटर देन 4, इट इज 5, 6, एंड F इज इक्वल्स टू नंबर नॉट लेस देन 3, तो 3, 4, 5, 6। बेटा जी नॉट लेस देन 3 कहा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग 3 भी कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6। नाउ फर्स्ट पार्ट इज ए यूनियन बी, अब हम लोग ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, सिंपल सेट थ्योरी के कंसेप्ट लगाने हैं। ए हमारे पास सैंपल स्पेस है, बी हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो ए यूनियन बी हमारे पास फिर से वही हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6। After that, second portion A intersection B. अब अगर A intersection B find out करना है तो वो हमारे पास बेटा जी 5 ही रह जाएगा, क्योंकि empty set का intersection किसी के साथ empty set ही रहता है। Next one is E union F. Third part E union F. चेक कीजिए, E का element सिर्फ 6 था, F के element 3, 4, 5, 6. तो E union F हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी 3, 4, 5 and 6. After that, D intersection E. Fourth part is D intersection E. अब D intersection E हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? D और E के common portion. है कोई common portion? नहीं है. So we will write it like 5 only. Then A minus C. अब बात करते हैं A minus C. Means to see कि A के वो element जो C में नहीं है.
चेक कीजिए, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस था और इसमें से 3 और 6 नहीं लेने हैं, सो इट्स आंसर विल बी 1, 2, 4 and 5. ठीक है, नेक्स्ट वन इज डी माइनस ई. अब बात करते हैं डी माइनस ई की. सो डी माइनस ई मीन्स डी के वो एलिमेंट जो ई में नहीं है, डी के वो एलिमेंट जो ई में नहीं है वो तो वही हो जाएंगे 1, 2, 3, क्योंकि डी और ई में कोई कॉमन एलिमेंट था ही नहीं. एंड आफ्टर दैट एफ कॉम्प्लीमेंट, सेवंथ पार्ट एफ कॉम्प्लीमेंट. बेटा जी एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से एफ के एलिमेंट रिमूव कर देने. यूनिवर्सल सेट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में से एफ के एलिमेंट रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बच जाता है 1, 2. अब इसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट. नाउ एट्थ पार्ट ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट. चेक कीजिए, ई हमारे पास था 6 और एफ कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1, 2. व्हाट विल बी द आंसर, 5. एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 क्योंकि ई और एफ कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. नाउ थर्ड क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस. रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, तो बेटा पहले हम लोग इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं इस तरह से. पेयर ऑफ डाइस है, 6 पॉसिबिलिटीज हैं और 2 डाइस हम लोगों ने थ्रो किए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनके सैंपल स्पेस में एलिमेंट हमारे पास 36 आ जाएंगे और ये 36 के 36 एलिमेंट्स हम लोगों ने लिख लिए हैं. After that, it is given to us, describe the following events, capital A, sum is greater than A. Capital A, sum greater than A. चलिए बाद में डिस्क्राइब करते हैं, पहले लिख लेते हैं हम लोगों को गिवन क्या क्या है. कैपिटल बी, टू अकर्स ऑन आइदर डाई. कैपिटल बी इज इक्वल्स टू 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, किसी भी डाई पे 2 आना चाहिए. एंड थर्ड वन इज सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3. सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3. चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले जो पहला हमारे पास एलिमेंट गिवन है सम इज ग्रेटर देन 8. अब 8 से बड़ा हमारे पास सम क्या आ जाता है बेटा जी, 9, 10, 11 और 12. हमारे पास इवेंट्स 9, 10, 11 और 12 आ जाते हैं. तो अपने इस सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड आउट करना शुरू करते हैं सैंपल स्पेस के एलिमेंट क्या बन जाएंगे. सम हमारे पास 9 होना चाहिए, 10, 11. राइट डाउन द एलिमेंट्स. अब ग्रेटर देन 8 के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स लिखने शुरू कर लीजिए. ग्रेटर देन 8 मतलब एक तो आपके पास सम 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए और 12 होना चाहिए. ठीक है जी, लिखने शुरू कीजिए सैंपल स्पेस के एलिमेंट. ये स्टार्ट करते हैं. अब हमारे पास इवेंट था कैपिटल ए जिसमें सम ग्रेटर देन 8 था. ग्रेटर देन 8 में हमारे पास ये डिफरेंट इवेंट्स आ जाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स लिख लेते हैं. सेकंड वन वाज 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, किसी एक डाई के ऊपर 2 होना चाहिए चाहे फर्स्ट और चाहे सेकंड. इसमें हमारे पास ये एलिमेंट 2, 2 दो बार आ रहा है तो हम लोगों ने सिर्फ एक बार ही कंसिडर करना है. After that, third was sum is at least 7, कम से कम 7 होना चाहिए and a multiple of 3. Sum हमारे पास 7 से ज्यादा और multiple of 3 होना चाहिए तो it means हमारे पास यहाँ तो 9 होना चाहिए या 12 होना चाहिए. तो 9 और 12 के एलिमेंट्स हम लोगों ने लिख लिए हैं. अब इसके बाद सबसे पहले हम लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following events are mutually exclusive. अब पहले तो हम लोगों ने ये बताना है कि इसमें से mutually exclusive कौन से हैं. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए. अब अगर हम लोग चेक करें तो बी और ए, चेक कीजिए हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं क्योंकि बी और ए में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है हमारे पास. यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 ऑनवर्ड्स हैं और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 2 और 6 के आसपास ही हैं. तो इट मीन्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. एक और बात करते हैं, जरूरी नहीं कि ए और बी एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, हम लोगों ने और भी चेक कर रहे हैं. अब चेक कीजिए बी और सी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, क्योंकि सी का कोई भी एलिमेंट जो है बी में इन्वॉल्व नहीं है तो हम लोग ये कह सकते हैं बी एंड सी आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तीसरी बात करते हैं ए और सी की, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, बिल्कुल नहीं क्योंकि ये 6, 3, 3, 6, ये देखिए 3, 6, 6, 3 कॉमन आ गए हैं हमारे पास, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक मिनिमम अगर आपका कॉमन आ गया तो इट मीन्स दो आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. So, यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिमिलरली बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बाकी और कोई ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है.
So remaining question of this exercise you can do yourself. Okay, that's all from my side for today's lecture.